युद्ध जीतना है तो रूस के लिए सबसे ज्यादा है अहम यूक्रेन के मित्रों को यानी कि दोस्तों को इतनी गहरी चोट पहुंचाना जिससे उनका पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा खड़ा हो जाए। हमने आपको बताया था कि रूस ने अटलांटिक महासागर में एक ऐसी पनडुब्बी उतार दी है जो समुद्र तल पर बिछे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर ब्रिटेन का सिस्टम भी कोलैप्स कर सकती है। अब ब्रिटेन ने कम्युनिकेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए हाईटेक पहरा तैनात करने वाला है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सीटिस। देखिए क्या है ये अहम सिक्योरिटी ऑपरेशन इस खास रिपोर्ट में। युद्ध का नियम है कि किसी भी तरह दुश्मन पर ऐसा वार करो कि वो अक्षम हो जाए, उसकी ताकत खत्म हो जाए। यूक्रेन के बैटलफील्ड में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मिलकर यही बाजी खेल रहे हैं। सारे देश मिलकर रूस के खिलाफ अपनी ताकत झोंक चुके हैं। अब रूस की भी यही नीति है कि वो अपने दुश्मनों पर ऐसा वार करे कि उनका सिस्टम ही अपंग हो जाए, उनके नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा मंडराने लगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस खतरे को ब्रिटेन भांप चुका है और उसने एक ऐसा प्रहरी महासागर में उतारने का प्लान बना लिया है जो रूसी जंगी बेड़े का सर्वेलांस भी कर सके और उससे निपट भी सके। ये है अनमैन्ड अंडरवाटर सबमरीन। ये अंडरवाटर बैटल स्पेस का ऐसा विध्वंसक हथियार है जो निगरानी भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खतरे को मिटा भी सकता है। इस फ्यूचर वेपन को डेवलप किया जा रहा है। ब्रिटेन ने इसे नाम दिया है प्रोजेक्ट सीटस। इस पर 1,50,00,000 पाउंड खर्च किए जा रहे हैं। ये अनमैन्ड अंडरवाटर सबमरीन टेक्नोलॉजी प्लाईमाउथ बना रही है। ये एक बार में पानी के नीचे 1,000 मील तक चल सकती है। 17 बैटरी से इसको पावर दी जाती है। इसकी लंबाई 12 मीटर है। ये प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग के फेज में है। ब्रिटेन ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन फ्यूचर वेपन्स के जानकार मान रहे हैं कि ये सर्विलांस और अटैक दोनों कर सकती है। इसे किसी भी जहाज पर लोड करके दुनिया के किसी भी समंदर में तैनात किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को जल्दी लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रूस ने अटलांटिक महासागर में अपनी सबमरीन की तैनाती की है। इसके बाद ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने कहा है कि रूस की तरफ से अंडरवाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का खतरा बढ़ गया है। युद्ध का नया मैदान अटलांटिक महासागर बन सकता है। दुनिया के करीब करीब हर समंदर में एनर्जी पाइप और इंटरनेट केबल्स का जाल बिछा है। इस पर अगर रूस ने हमला किया तो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप या बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से में कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। एनर्जी का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इससे पहले जर्मनी तक गैस सप्लाई करने वाली रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 में भी धमाका हुआ था, जिसके बाद पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। हमले के बाद कहा गया कि रूस ने खुद विस्फोट किया है, लेकिन रूस ने कहा था कि उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर दुश्मन देशों ने हमला करके आतंकी वारदात की है। यूरोप को डर है कि रूस एनर्जी पाइपलाइन के बाद फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए अंडरवाटर बैटल स्पेस में अनमैन्ड सबमरीन उतारने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।